ये तो बड़ी स्वाद बनी है। राम जी, यूं कहा कर दिया मैंने? यूं तो भोग लगाने से पहले चख लिया। और मेरा ऐसा कोई इरादा ना राम जी, मैं चटोरी ना हूं। मैंने तो बस नू सोची कि देख लूं स्वाद कैसा आ रहा। अब कहा करूं का सबरी माता ने अभी तो चक्के ही बेर खिलाए। या मारे मैं अभी तुम्हें आज भोजन चक्के ही करवाना चाह रही। ऐसी कोई बात ना, मुझसे गलती सु होगा, मुझे माफ कर दीजिए। ठीक है, किससे बात कर रही हो? किससे बात कर रही हो? किसी से ना? हाँ, मैं तो भगवान जी से बात कर रही हूँ, राम जी से। अच्छा जी, हमें बता दो कहाँ बात कर रही हो। काई को बता दो, हमारे बीच की बात है। हमारे बीच की फिर तो बता ही दो। ओ चंड चांदनी, हमारे बीच की मतलब मेरे और भगवान जी के बीच की, तेरे और मेरे बीच की ना। तुम तो ऐसा कर रही हो जैसे तुम्हारी चोरी पकड़ ली जाएगी। चोरी चोरी कैसे पकड़ी जाएगी जब मैंने कुछ करा ही ना है? चोरी पकड़े जाने पर हर इंसान यूं ही कहवे। तू ज्यादा चोरी चोरी ना कर रही, अभी पूरी तल लग कह दूंगी, बुखार आ जाएगा तो बता रही हूँ। तुम तो बुरा मान गई यार, मैं तो मजाक कर रही हूँ बस। चलो अब मोनू बताओ, सारा सामान बन गया? खीर पूरी सब्जी सब। और कहा ये पूरी बन गई, ये सब्जी बन गई, और यू हलवा बन गया। और सब्जी तो एकदम स्वाद बनी होगी है। तो कैसे पता? वो तो तुम्हें भी पता। बेटा वो तो गलती से होगा। मैं हूँ यहाँ पे मैं ऐसे सब्जी बना रही, मैंने सोची स्वाद कैसा आ रहा। मैं गलती तो होगी, जल्दी जल्दी खाना बना रही बेटा। मौत ऐसे कोई इरादा ना, मैं कहा करूँ, मेरे गलती से होगा। अरे कहा होगा, कैसे चिल्ला रही हो? कहा करूँ, मेरे गलती से होगा। अरे कैसे, कहा गलती होगी? गलती से मैंने तो कन्या लेना भेज दिया, तू कन्या लेकर आई। कहाँ कन्या? अपने अपने घर है। और हमारे घर कद आऊंगी? अगली बार जब कन्या जी माँ होगी तब। काई को कन्या कोई पीएम है जो या बेर अपॉइंटमेंट लेंगे, अगली बार आऊंगी कन्या जी ने। ऐसे ही समझ लो। ऐसा बात अन्ने मत ना घुमावे बेटा, इतनी देर से खाना पकाते पकाते मेरी कमर पक गई है। ठीक है, शुद्ध बात बता। शुद्ध बात यू है कि तुम्हें जल्दी कन्या जमानी चाहिए। 8:30 ही तो हो रहे हैं, ये जल्दी ना है? अजी 8:30 ही बज रहे हैं, सुबह 5-6 बजे से सबके घर कन्या ही खा रही है वे। अब उनका टैंकर होगा फुल और उन्होंने साफ आने से कर दिया मना। हाँ तो जरूरी है वे ही कन्या लेकर आवे, दूसरी ले आ। कन्या तो कन्या ही है, भोग लगा लेंगे, हमारा बेण पार हो जाएगा। पूरे गांव में 5 ही लौंडियां, बाकी सबके लौंडा है। पूरे गांव में 5 ही लौंडियां बस, और का ऐसा तो उस दिन दूर ना जब नवरात्रि में कन्यान की जगह लांगूर जीम तो दिखेंगे, और कन्यादान करने की उम्र में गांव के बुड्ढे बारात में पैसे लूटते दिखेंगे। सुकर हमारे यहाँ लौंडिया आ गई, कन्यादान करने का मौका फिर भी मिलेगा हमें। अच्छा जी, कौन है यू खड़ी घोड़ी ऐसी ही नहीं आ रही मेरे सामने? वैसे भी लौंडियान की शॉर्टेज है, थोड़ी तो इज्जत दे दे करो। मो भी बेटा इज्जत मांगते ना है, कमानी पड़े। मतलब अब तक मुंह अंधेरे में रखकर तुम्हें काम मिल गए हैं? मतलब यू की जन्म सूता तुमने नुई कही है कि पैसा कमाने पड़े पैसा कमाने पड़े, और अब जब आधी उम्र निकल गई मेरी तब तुम नू और कह रही हो कि इज्जत कमानी पड़े। तू अपने दिमाग पर जोर काई को डाल ली है, तेरे बस की तो दोनों में से कुछ भी ना। कर ली बेज्जी थी, मिल गया सुकून? हाँ अब जल्दी जाकर कन्या लेके आ जा। अरे यार जब कह दी ना आ रही, ऐसा करो मोइया खिला दो, एक ही बात तो है। कन्या खिलानी है बुढ़िया ना। हाँ तो तुम्हें खाने को कौन बोल रहा, मैं तो अपनी बात कर रही हूँ। निकल यहाँ से निकल, जल्दी लेके आ जा कन्या। ठीक है, अगर आज तो बिना कन्या लिया आगी ना घर वापसी, तो बेटा तेरा हाथ पीला करवा के कन्या दान कर दूंगी। हाथ पीले करने से पहले लौंडा ढूंढना पड़े या हवा की गैली फेरे करवाओगी? गई ना गई, अभी एक रह पट में हवा कर दूंगी। खराब कर रखा, यहाँ रसोई में लगे पड़े हैं सुबेरे सु। अब ना राम जी माफी। जय माता दी। अरे अभी कन्या जी माँ के बैठने को पाए कन्या, दोबारा पता नहीं कौन आगा, पता नहीं कहाँ रहेगी। जय माता दी। ठंड रखो, आ रही हूँ।
जय माता दी आंटी जी। जय माता दी, जय माता दी। तू है, मैंने सोची कि बाबा है, मैं पूछने वाली बाबा आटा लोगे खाना वाना खाओगे? आटा और खाने को ही पूछोगी? दक्षिणा तो भूलेगी तुम। अरे दक्षिणा सो याद आई, एक छोटा सा काम कर दे। कहा बताओ। ये 10 रुपए ले। ओहो खुश रहो खुश रहो, सुबेरे सुबेरे हाथ में 10 रुपए आ गए। तभी मैं सोचू कल शाम सु मेरे हाथ में खुजा कैसे मार रही है सीधे वाले में। बिजली बाबू अपनी ये खुजली को त्वचा रोग वाले डॉक्टर को दिखा, क्योंकि मैंने तो ये रुपए खुले कराने को दिए। खुले कराने को कहा? मेरे द्वारा खुले रुपए बन रहे हैं जो मैं खुले कराऊं? ना रामलाल की दुकान से पूछ ले एक बार। उनकी कोई चूरन चटनी की दुकान ना, ठीक है, थोक की दुकान है उनकी। 100-200 सौ नीचे ना मिलने के रुपया उन पे। अच्छा रहन दे फिर। ना ना रहन दो रहन दो, वहाँ के बगल में पान पुड़िया की दुकान भी तो लगा हुआ है, वहाँ से करवा लूंगी खुले। अच्छा ले आ फिर जल्दी सो। तो लाओ 10 रुपए और दे दो ना। ना 10 के खुले कराने। वो पागल थोड़ी है कि 10 रुपए का नोट वहाँ देऊंगी और वो खुले करके दे देगा। वहाँ 10 रुपए देऊंगी तो वहाँ की चीज देगा, और ये 10 रुपए देऊंगी तो खुले देगा। या हमारा 20 रुपए दो। फिर रहन दे, वापस दे दे। ना रहन दो, ऐसा करो दूसरा आइडिया भी हैगा। मैं वहाँ 10 रुपए दूंगी, 1 की सतमोला ले लूंगी, 9 रुपए तुम्हें खुले दे दूंगी। हाँ यू सही है, सतमोला तू खा लियो, ठीक है। यू भी कोई कहने वाली बात है? हाँ, यू तो तू है ही चटोरी। कहा कह रही हो? ना कुछ ना। ना ना कुछ तो कही है तुमने अभी बुदुर बुदुर करके। अभी आप पता पड़ती कि मैंने ये चटोरी कही है तो खुले कराने से साफ मना कर देगी। अरे पता ना तो कहा सुनाई देवे, जल्दी से करा ला खुले पैसा। हाँ तो करवाने जा रही हूँ, पहले मोनू बताओ घर में लौंडी आएगी? ना अपनी मौसी के कन्या खाने गई है। कहाँ रह मैं मौसी? यही कहीं रह मैं कहीं? हाँ यही रह मैं बल्ली गली में। यू तो बहुत बढ़िया मौका, वहाँ चली जा रही है कि मौसी के घर जाकर पहले दावत मारूंगी, फिर वहाँ से कन्या उठा कर घर ले जाऊंगी। एक तीर से 2 निशाने। ठीक है चलो मैं चल रही हूँ। अरे बिजली बेटा किस कौम से आई है यू तो बता दे। अरे अम्मा ना कन्या जिमाई है, पूरे गांव में हांड ली लेकिन कन्या ही ना मिली, और जो मिली है वे जिमने सु मना कर रही है, कह रही है ना हम तो सुबह 6:30 बजे सु खाने में ही लगे पड़े, अब पेट भर गया अब ना जिमने के। तो सुबह जल्दी जिमानी चाहिए ही, ज्यादा ही देर कर दी तुमने। अब कहा करें, अम्मा तो बूढ़ी हो रही है, उन पे तो काम होता ना, सवेरे सुबह ही लगी पड़ी हूँ इकली सब्जी पूड़ी खीर बनाने में, लेकिन अब कन्या ना मिल ली। अरे बेटा इकली सारा खाना बना लिया, एक हमारी है जो 1 किलो पानी भी ना पीती उठ के, चेक गले में खाना अटका पड़ा हो। अब कहा करें, अम्मा के तो जोड़न में दर्द होता रहे, तो मैंने सोची मैं ही सारी तैयारी कर लूँ फिर उठाऊँ अम्मा को। वैसे तो अम्मा 9-10 बजे सो के उठाए, पर आज कन्या जमानी ही ना तो मैंने अम्मा को जल्दी उठा दिया। बड़े बूढ़न के हाथ से भी पूजा हो जानी चाहिए यहाँ मेरे। सही है, आगे चल के दिक्कत ना होगी, ब्याह के बाद आराम से गृहस्थी संभाल लेगी। चलो ठीक है अम्मा चल ले। अरे पहले खुले करके रुपया तो दे जा। यू धरो अपने खुले रुपया, ठीक है खुद करवा लियो खुले, मेरे दौरे टाइम ना। अरे 1 सतमोला भी खा लियो, मेरी ओर से तुम खा लियो सतमोला। भाई एक बात बता रही हूँ, चाहे किसी को कन्या खवाई कितना भी पैसा मिलाओ, लेकिन बटेगा सब में बराबर बराबर। बराबर मतलब? बराबर मतलब जितना तो मिलेगा उतना या मिलेगा, जितना या मिलेगा उतना मुंह मिलेगा। सीधी भाषा में बोलना, इक्वली डिवाइड होएगा। अंग्रेजी सुगणित की टांग तोड़ रहा। हाँ सीधी भाषा में बराबर बटेगा। कोई बराबर ना बटेगा, हम क्या पागल बैठे हैं? पूछ रहा बता रहा? पूछ ना रहा हूँ ना बता रहा हूँ, मैं बस इतना कह रहा हूँ कोई बाटा बूटी ना होएगी, जिसके पास जितना पैसा उतना रहेगा। काई को बाटन कहा दिक्कत है, हम तीनों दोस्त हैं और दोस्ती में खाना पीना पैसा रुपया सब बराबर होना चाहिए, है कि ना? यह हिसाब से तो दिमाग भी बराबर होएगा। मतलब? मतलब जितना चंद तुम बन रही हो उतने हम भी हैं। ओ बैल बुद्धि, तू एक ओड़ को ही रह ले, मैं कहा चंट बन रही हूँ है? मैं तो बस नू कह रही हूँ कि बराबर बराबर कर ले रहे हैं, जिससे हमारी दोस्ती में भेदभाव ना हो। वह अजी भेदभाव, घर तू छाछ लाने को बोलो तो 4 भैंस और 2 गाय का रौब दिखा के मना कर दे। वह कह तो ऐसा रहा जैसे मैं डेयरी मंत्री हूँ, जब अम्मा देती ना तो मैं कहा कर सकूँ, खुद की पोती को तो वे 1 गिलास छाछ दे, मैं वो भी पानी मिला के हफ्ते में सिर्फ 1 दिन, तेरे नाम पे तो तब देंगी। और जो पुष्पा को भिजवाई 1 डोलची भर के, वो 1 डोलची वहाँ के घर 2-2 डोलची भी जावे, पर फ्री में ना जाती, नगद पैसा देवे। लेकिन वो तो हमसे बोल रही थी कि फ्री में लाती है। वो यहाँ हमारा कह रही होगी जिससे सबको लगे वहाँ का और हमारा तगड़ा प्रेम व्यवहार है। अच्छा अरे यार अब्बा फ्रॉड लौंडिया की बात छोड़ो,
तो गोलगप्पे वाले को अपना बॉयफ्रेंड बना के 10 के गोलगप्पे फ्री में टाप जावे। काश कोई लड़की भी गोलगप्पे बेचती तो हमें भी फ्री में टापने को मिल जाते। या सपने को सपना ही रहता है, नहीं तेरा कोई अपना ही या सपने को पूरा करता पाएगा। कौन तुम? एक घुसंड में ना पोपला बुढ़ा बना दूंगी, बता रही हूँ। मौसू मजाक थोड़ा सोच समझ के करे कर। बेचारे की वैसे कमर कुबड़ बनी पड़ी है, पोपला बुढ़ा बना कहाँ मिल जाएगा? सुकून मिल जाएगा और कहाँ मिल जाएगा। मैं भी किस पे ध्यान दे रही हूँ। चलो बराबर कर रहे हैं ना। कोई बराबर बराबर ना होएगा। काई को ना होएगा। कैसा हो जाएगा? मेरे पास 8 रुपए, या के पास 4 रुपए, और तेरे धोरे बस 2 रुपया। तो कहाँ दिक्कत है? दिक्कत ही दिक्कत है। बताएगा कहाँ दिक्कत है? मतलब मेहनत करे हम और मलाई खाओ तुम। अच्छा जी, हलवा पूरी खाने में कौन सी मेहनत हो गए? 5 लौंडियों के बीच में अकेला लौंडा कन्या खा के आया, यू कोई आसान है? तो मत जाता काई को गया। तो शुक्र मौन मेरा जो मैंने कमला चाची को बता दिया कि तो बुला ले, मैं नहीं घर पे पड़ा पड़ा भिंडी रोटी खाता और अठन्नी ना मिलती वो अलग। ओहो, देख रहा कैसा एहसान झाड़ रही है। देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। वैसे कह तो सही रही हैं, अगर ये हमको ना बुलाती तो घर पर बैठकर चाय के साथ बासी रोटी खा रहे होते। अच्छा, सब जाने कर दिया, खाने कौन गया? लेकिन खाने को मिला किसकी वजह से? मेरी वजह से। रेला ऐसा कर, या के 8 रुपया दे दे रहे हैं, ठीक है हम अपने बराबर कर लेंगे। यू अपने 8 में राजा हो ले भाई, यू ले। यू ले मेरे भी। चलो देर सुई सही, समझ तो आई। 5 रुपया भी हैं हमें। मेरी भी आंखें हैंगी, मैं बता रहा हूँ बस। साहूकार को साहूकारी मत सिखावे, ठीक है? हो गया बराबर। अरे बेटा, हमारे तो दादा परदादा भी अंग्रेजन को पैसा बांटे करे, तो पता अंग्रेज उनके आगे दिन रात कटोरा लेकर खड़े रहे करे। तभी तो देश छोड़ के भाग गए वे। कहा? और कहा, मेरे धोरे 8 रुपया अब 4 रुपया रह गए, और तेरे धोरे 2 रुपया अब वो 7 हो गए। अरे क्या 8-7 कर रहे हो, सबको बराबर ही सिक्के मिले हैं। सिक्के ही तो बराबर मिले हैं, पैसे पूरे थोड़ना। मोना पता ही कि दोस्ती के आड़े आ जाएगा पैसा है। आज के बाद ना अपनी सिकल मत ना दिखाइयो, नहीं मेरा दोस्ती से भरोसा उड़ जाएगा। कौन है? अरे मैं हूँ। कौन मैं? अरे मैं। एक मिनट रुक। अच्छा तू है, बोल का काई को ना बढ़ती भी इधर। बोल के ही आ रही थी अम्मा, पैर फिसल गया, सीधी भीतर गिर गई। बताओ सारे गिरे पड़े लोग हमारे घर में आके गिरे हैं। आज के दिन तो बख्श दो अम्मा। क्यों, आज तेरा बर्थडे है? बर्थडे नहीं, नवरात्रि है। उल्टा सीधा बोलने की बजाय प्यार से जय माता की बोलो, सब काम पूरे हो जाएंगे। हाँ बेटा, यू तो सही कह रही है तू, बोल साचे दरबार की जय। आज बैठ जाके। यू कहा तेरे हाथ में? यू गाय की पूरी निकाली थी भोग की, वो खिलाने आई गाय को। खिला देती, बाहर ही बंदी है गाय। मुझे तो नहीं दिखी बाहर गाय। ऐस कैसे दिखी, बिजली ने बांधी है देख। अजी उससे कहाँ बंद रही है गाय, खुल खुला गई होगी। अजी हाँ, ऐसा कहा काम है जो वासु ना होता। वो अलग बात है, मुँह पागल बना के बिना बांधे चली गई हो। शेर को सवा शेर नहीं मिल गई दिखे। लोमड़ी सी सिकल की, थोड़ा होश में बोल लेकर है मौसू। मैं तो बस अम्मा इतना कह रही थी, मैंने तो सारे में देख ली बाहर गाय, मुझे तो नहीं दिखी गाय कहीं भी, इसलिए मैं भीतर आ गई तुम्हें पूरी देने के लिए। क्यों, मेरी खोपड़ी पर सींग दिख रहे तो जो तेन सची मोह दे दे मैं। अरे मम्मा इसलिए कि आप बाद में खिला दोगी गाय को। अच्छा, मैं तो गाय को पूरी खिलाना ही, तब मेरा ही दिमाग खान लगी। ए बाबू तू तो नाराज हो रही है, नाराज मत ना हो। तू हर बेर उल्टी सीधी बातें करे ना, मेरा दिमाग चुन ले वे या मारा मुँह लगी। चल कोई बात ना, मैं ना अभी लेके आ रही ढोलक माता रानी के गीत गाएंगे, ठीक है? वैसे तू नू बता, तेने कन्या खिला ली थी ना? ना कन्या कहाँ खिलाई, कन्या मिली ना रही। अच्छा कोई बात ना, बिजली गई है लेने, ठीक है बिजली खिला देगी, हम खिला देंगे, फिर तू खिला दियो। यू बहुत बढ़िया चीज है, जाओ खाओ, पैसे थामो और घर को आओ। लिंग कुछ भी कहो, खाने में मजा आ गया। यासु ज्यादा मजा आएगा जब कन्यान के साथ हमें भी जीमने को मिलेगा। लेकिन ये तो सिर्फ एक ही कन्या है, होनी तो 9 चाहिए।
अरे यार कहा करें जब गांव में लौंडिया ही ना है और जो है उनका पेट पहले से ही भरा भरा आया। कोई बात ना, बाकी तो श्रद्धा की बात है, श्रद्धा हो तो पत्थर में भी भगवान हो। मैं और यू तो हमारी छोटी सी प्यारी प्यारी सी मोता रानी है। जय माता दी, जय माता दी। ढोल वाले तेरा कहा जाएगा, मेरी माँ का भजन बन जाएगा। ढोल वाले तेरा कहा जाएगा, मेरी माँ का भजन बन जाएगा। मैं तो खाऊंगी दाने अनार के, मेरी जल्दी जल्दी जी माधु हैं। ले तो आई भीतर, पर यू तो एक ही है, यू खड़ी दूसरी। तू बूढ़ी होली तो खिलाऊंगी कन्या, कन्या छोटी छोटी हो। मैं अब कहा करूं जब गांव में लौंडियान की शॉर्टेज हो रही है। सुबह 6:30 बजे सुखाती डोल ली लौंडिया, मैं बुलाने गई तो सारी की सारी मना कर रही है कि हमारा तो पेट भरा भरा आया, हम ना आ रहे। यू एक भी लिया या लेकर आ गई, मैं कहा करूं। अब अगर तुम चाहो तो जब तक मेरा कन्यादान ना हो जाता तब तक मैं कन्या खिला सको। चलो ठीक है, तुम ही लोग बैठ जाओ, जी मां दे रही हूँ, आओ बैठो खाओ। चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को सबके साथ शेयर कर दो, ठीक है। बाकी जय माता दी, लव यू। मानेरे 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 नहीं ओ नन्ही जान छोड़ा सी नाता।